आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। ग्राम वांगरा के मेले में नंगे पैरों से दहकते अंगारे पर चले श्रद्धालु। प्रतिवर्ष सभी के सहयोग से होता है सफल आयोजन। विधायक और सांसद प्रत्याशी हुए शामिल। पांसिबल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वांगरा में होली दहन के साथ आयोजित मेले में क्षेत्र से बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। मेले की एक विशेषता है कि यहाँ जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वो नंगे पैर अंगारों पर चलते हैं। ये दृश्य देखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से अंगारों पर चलने की प्रथा है। ग्राम के सरपंच मोटा खेड़कर ने बताया कि सभी ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से निर्विवाद रूप से मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। मेले में खाद्य सामग्री, कोल्ड ड्रिंक सहित महिलाओं के श्रृंगार की दुकानें लगी हुई थी। प्रतिवर्ष मन्नत मांगने वाले श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से भी लोग शामिल होते हैं। उत्सव में आसपास के ग्रामों से ढोल मांदल लेकर लोग आते हैं और हर्षोल्लास से नृत्य करते हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे और सांसद प्रत्याशी पोरलाल खरते भी शामिल हुए और मेले में भ्रमण किया। मेले के आयोजन में गांव डायला मानसिंह खेड़कर, हमू वारती, सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष मोंटा खेड़कर, रूप सिंह पटेल, नेवर सिंह सिंगोरिया, पप्पू राठौर, भोलू राय सिंह किराड़े, साय सिंह पाडवी, दादू पंजरा सहित ग्राम के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। पांचसिमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि, सबसे पहले तो इस आज ग्राम पंचायत वांगरा में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे सभी आदिवासी समाजजन उपस्थित, उनका मैं मेले और होली पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत वांगरा में मेला हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत वांगरा में विभिन्न ग्राम पंचायतों से, महाराष्ट्र से लगा के, मध्य प्रदेश से लगा के, हर ग्राम पंचायत से हर समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और जैसे कि ढोल और मांदल के ताशे से घेर वगैरह बन के, जैसे कि यहाँ पे कई 100-150 वर्ष पूर्व पहले से यहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे गाँव के वरिष्ठ लोग, गाँव डायला, पटेल, पुंजारा, वारती, वो जैसे कि यहाँ पे अंगारों पे चलने का भी किया जाता है, जो मन्नत रखते हैं, जो 1.25 महीने तक पहले से मन्नत रखते हैं और यहाँ पे पूजन किया जाते हैं होली की जगह, और गांव के जो मन्नत जो लोग मेले हैं वो अंगारों पे भी चलते हैं। आदिवासी समाज खुशियों से रहता है और जो उसके पास में है उसमें संतुष्ट रहता है। ये जीवन का आनंद, ये विकास जिसको बोलते हैं, जो जितना खुश है वो सबसे ज़्यादा विकसित है। और आदिवासी समाज हर अवसर पर खुशियाँ मनाता है। और ये जो होली का के पहले लगता है भुंगरिया हाट, उसमें होली का पूजन की सामग्री खरीदने के लिए परिवार के सभी लोगों को जाने की छूट होती है। वहाँ पर परिवारजनों से लेकर नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों से सबसे मिलने का अवसर मिलता है। उसके बाद में होलिका का दहन होता है और आदिवासी समाज में होलिका के दहन के पहले हमारे समाज के कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मान लेते हैं। कई सारे लोग 1.25 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, कई सारे लोग कपड़े नहीं पहनते, कई सारे लोग चप्पल नहीं पहनते। और आज वांगरा में आपने देखा होगा मेलादड़े में कि वहाँ चूल चलने की परंपरा है। जलती हुई अंगार पे नंगे पैर पे चलना, ये एक अपने आप में एक ऐसा अचंभा है जो अभी शोध का विषय है कि किस तरह से जलते हुए अंगार में व्यक्ति निकल जाता है। तो ये एक आदि शक्ति है, आदिवासी हमेशा आदि शक्ति के साथ में चलता है, प्रकृति के साथ में चलता है। इस अवसर पर हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सब मिलकर हम साथियों से मिलने के लिए, खुशियां बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं।